हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर ब्लाउज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेनी है और 10 इंच गले की लंबाई, और फिर हमें ऐसे स्क्वायर बनाकर राउंड गले का शेप देना है। ऐसे माप से हमें राउंड गले का शेप दे देना है। अभी यही शेप हम कैनवास पर भी देंगे। 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेनी है, 10 इंच गले की लंबाई लेकर ऐसे राउंड गले में शेप देना है। ये देखिए, इस तरीके से हम राउंड शेप करेंगे। और फिर राउंड के बाहर की तरफ से 1-1 इंच का मार्किंग कर हमें दूसरा राउंड बनाना है। ऐसे ऐसे राउंड शेप देना है बाहर की तरफ, 1 इंच बाहर की तरफ से, और फिर और 1 इंच बाहर की तरफ से हमें राउंड शेप देना है। जैसे हम जो डिज़ाइन का गला बनाएंगे वो एक सरीका आने के लिए हम 1-1 इंच का ऐसा शेप देंगे। ऐसे बाहर से 1-1 इंच का शेप देना है। और फिर ये हमने 3 इंच का ढक्कन लिया है, आप हाथ अंदाज से भी ले सकती हैं। 3 इंच के ढक्कन से ऐसे हम राउंड राउंड शेप बनाएंगे। ऐसे सब सब एक समान आने चाहिए। ऐसे ये हमारा नेक हमने कट कर दिया है, ये देखिए। हमें ये बीच में से कट करना है, जैसे हम बैक हुक बना रहे हैं तो बीच में से हमें कट कर देना है। ये देखिए, हमने इसे गोल्डन कपड़े पे प्रेस कर दिया है। इस तरीके से हम प्रेस कर देंगे और फिर कट कर देंगे। अब हम इसे बैक पार्ट पर लगाएंगे। जो हमारा बैक पार्ट है उस पर ऐसे हमें लगा देना है। उल्टे साइड से लगाना है, तो हम पलटी करेंगे तो वो सामने के साइड, जो हमारा बैक पार्ट है उस सामने के साइड में आएगा। ये देखिए, ऐसे उल्टे साइड से लगा के हमें कट्स मारने हैं और फिर उसे पलटी कर देना है। पलटी करने के बाद ऊपर के साइड से हमारा गोल्डन गले का जो डिज़ाइन है वो आएगा। और फिर ऊपर के साइड से हमें एक सिलाई लगा देनी है। ऐसे अब ये हम 2.5 इंच का स्क्वायर हमें कट करना है। 2.5 इंच के रेड कलर और गोल्डन कलर, जो भी कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज का कलर है वो ले सकते हैं। ये हम साइड साइड से सिलाई मारते मारते ऐसे जो हमने स्क्वायर कट किए हैं उसे फोल्ड कर ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, और सिलाई मारते हुए ये लगाते जाएंगे। ये ट्रायंगल एक के ऊपर एक रखकर हमें ऐसे लगाने हैं और सिलाई मारते जाना है साइड से, तो साथ में ही। ऐसे हमें ट्रायंगल लगाते जाना है और सिलाई मारते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें हम पूरे में लगाएंगे। जो हमारा बैक पार्ट का दूसरा पार्ट है उस पर भी हम ऐसे ही लगा देंगे। ये देखिए, ऐसे हमें सारे ट्रायंगल लगा देंगे। ऐसे हमें सिलाई मारते जाना है और ट्रायंगल लगाते हुए सिलाई मारते जाना है। ये देखिए, हमारा हमने ट्रायंगल लगा दिए हैं। अब हम अंदर की तरफ से
जो हमारा डिज़ाइन की जो गोल्डन है उस पर अंदर की तरफ से ऐसे मार्किंग करेंगे, और मार्किंग करके हमें इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने मार्किंग कर दिया है, अब मार्किंग किए हुए जगह पर हम सिलाई लगाएंगे। अब हमें ऐसे सिलाई मारते जाना है। ये देखिए हमें जो कैसे डिज़ाइन बनाया है, ऐसे सिलाई सिलाई मारते मारते हमें ऐसे डिज़ाइन बनाया है, सिलाई से हमें ऐसे डिज़ाइन बनाना है। जो हमारा गोल्डन कप, जो गोल्डन हमने लगाया है डिज़ाइन, उस पर हम ऐसे सिलाई मारेंगे, और फिर हमें साइड से ऐसे लेस लगानी है। ये हमने रेड कलर की लेस ली है, हम ऐसे लेस लगा देंगे। ये देखिए हमें इस तरीके से लेस लगा देनी है, पूरे में लेस लगा देनी है, हमें दोनों साइड से लेस लगा देनी है। अब हम जो ऊपर के साइड से हमारा राउंड नेक है वहां से भी लेस लगा देंगे, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से दोनों साइड से हमें लेस लगानी है। ये देखिए हमारा बैक पार्ट रेडी है एक साइड का। अब हम इसे में जो मोती है, मोती डाल के ये ट्रायंगल पर मोती डालेंगे। सुई धागे की मदद से हमें मोती पैक कर देने हैं, जैसे ट्रायंगल उल्टे ना गिरे और ट्रायंगल अच्छे दिखे। ये देखिए हमने सारे ट्रायंगल पैक कर दिए हैं, इस तरीके से हमें ट्रायंगल पैक कर देने हैं। ये हमारा बैक हुक ब्लाउज रेडी है, देखिए किस तरीके से, और बहुत सुंदर है। डिज़ाइन होने के बाद हमें बैक साइड को हुक्स की पट्टी लगा देनी है। ये हमारा बैक हुक ब्लाउज रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।